बुधवार गणेश जी को समर्पित है। इस दिन प्रतोष व्रत पढ़ने से बुधवार के दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। व्रत पूजन करने से शिव जी के साथ गणपति की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शुभता आती है। बुधवार को पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रतोष व्रत करने से गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। ये तिथि भगवान शिव को समर्पित की जाती है और प्रत्येक माह में दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस बार अष्ट माह का पहला प्रदोष व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के हिसाब से निर्धारित होता है, इसलिए ये व्रत बुध प्रदोष कहलाता है। प्रतोष व्रत की पूजा सूर्यास्त से पौने घंटे या 45 मिनट पहले आरंभ हो जाती है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। यानी इस व्रत में प्रतोष काल में पूजन का विधान है। यही कारण है कि इसे प्रतोष व्रत कहा जाता है। प्रतोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव के नियमित व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। प्रतोष व्रत मुहूर्त तिथि। इस तिथि का आरंभ 7 जुलाई को रात 1:02 से अगले दिन 8 जुलाई 2021 रात 3:20 पर समाप्त होगा। त्रयोदशी तिथि पर सूर्योदय सुबह 5:04 पर होगा। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त शाम 6:42 पर होगा। प्रतोष व्रत पूजा विधि। त्रयोदशी तिथि को सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की साफ सफाई करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। शाम को प्रतोष काल के समय पूरा स्नान दिया करके पूजन आरंभ करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और पुष्प अक्षत धूप दक्षिणा और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। वहीं पर बैठकर आप शिव मंत्रों का जाप या शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें और पूजन पूर्ण होने के बाद फलहार करें।